हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया? कैसा चल रहा है सब? कौन कौन लोग आ गए हैं? ये आर्यन तिवारी, हेलो तिवारी जी, हेलो गुप्ता जी, हेलो देवा, हेलो परीक, हेलो पूजा मंडल, हेलो सुनीता, अनुपमा, रिमझिम, सोनाली, लिप्सा, निकिता, आशीष, पंडित जी, हेलो एवरीवन, है ना? वेलकम बैक। चलिए आज की क्लास में कुछ मजेदार मजेदार करते हैं, ठीक है? कुछ मतलब बहुत ही मजेदार, कुछ ऐसा जहां से अक्सर आप लोगों को जेई और नीट में क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है? तो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, सभी लोगों को आवाज एकदम प्रॉपरली सुनाई दे रहा है? आवाज एकदम प्रॉपर है सभी लोगों के लिए? ओके, प्रॉपर है, नाइस, वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना? आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स देखेंगे। आप लोग ने क्लास का नाम तो देख लिया होगा, क्लास के नाम में ही बता दिया गया है कि कुछ इनऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स करेंगे, ठीक है? तो अपना अपना पेन पेंसिल लेकर रेडी। रूल क्या है, रूल सुन लीजिए। रूल ये होगा कि हम आप लोगों को कुछ एक यहाँ पे ट्रेंड्स देंगे, ये एकदम रैपिड फायर हम लोग खेलेंगे, ठीक है? एकदम रैपिड फायर रहेगा, ध्यान से रूल को सुनिए। यहाँ पे आपको हम कुछ एक क्वेश्चंस देते जाएंगे, मतलब ट्रेंड्स देते जाएंगे, ठीक है? हम लोग इसका नाम भी रखेंगे T1 T2 ऐसे करके, ठीक है? तो T1 ट्रेंड्स 1, ठीक है? तो ट्रेंड्स 1 आपको हम देंगे और आप उसका ऑर्डर अरेंज करोगे, और ऑर्डर अरेंज करके और जितना जल्दी हो आप उतना जल्दी उस ऑर्डर को मेरे को व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है? या फिर साकिब सर के व्हाट्सएप पे भेजोगे। ओके, चलिए बेहतर होगा साकिब सर के व्हाट्सएप पे भेजिएगा, क्योंकि मेरा फोन मेरे हाथ में है, ताकि हम आप लोग आंसर यहाँ से देखते रहे, बढ़िया रहेगा। साकिब सर को आप लोग भेजें, हम वहां से देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? ट्रेंड विद फंडास, है ना? क्लास का नाम यही रखा गया है, ट्रेंड विद फंडास, पार्ट वन है आज, क्लास नंबर वन। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज की ट्रेंड्स क्या होती है, ठीक है? एसिडिक प्रॉपर्टीज की ट्रेंड्स कैसी रहेगी, ठीक है? कुछ एक इंपॉर्टेंट एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो सभी लोग रेडी? एकदम बढ़िया से सभी लोग रेडी। चलिए वेरी गुड। रूल आपको पता है, पहला एसिडिक ट्रेंड आपका रहेगा, क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपको अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? पहला है SiO2, CO2, N2O5 एंड SO3। ये चार एसिड्स हैं जिनको इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है, फटाफट फटाफट से शुरू हो जाए। ठीक है, ओके, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है? जल्दी से आप साकिब सर को आंसर भेजिए अपना, साकिब सर को, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मेरा नया वाला व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा ही, वहां पे आप लोग आंसर भेज सकते हो, ठीक है? चलो देखो भाई, इसको हम कर देते हैं, क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा दैट विल बी SO3, तो SO3 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इसमें। SO3 के बाद N2O5 रहेगा, ठीक है? N2O5 के बाद CO2 रहेगा और CO2 के बाद SiO2 रहेगा। अब बताओ किनका किनका सही हुआ? जिन लोगों का सही हुआ वो लोग अपना नाम फटाफट एकदम लाइव चैट बॉक्स में लिखते चलो, जिन लोगों का सही हुआ वो सभी लोग अपना नाम लाइव चैट बॉक्स में लिखते चलिए, ठीक है? जिन लोगों का भी सही हुआ, ओके, फरहान, वेरी गुड, सोनाली, वेरी नाइस, और किसी का? और आर्यन, आर्यन का सही हुआ। जिन लोगों का सही हुआ सिर्फ वो लोग लिखोगे, ठीक है? सुकृति, रोहित पंडित, ओके नाइस, और जिन लोगों का सही हुआ वो लोग अपना नाम लिखते चलो, ओके चलो। तो इसमें 5-6 लोगों का, 7 लोगों का सही हुआ, ठीक है? आनंद एंड श्रीदीप, है ना? चलो बहुत बढ़िया श्रीदीप, वेरी नाइस, नाइस डूइंग, ठीक है? कत्थक कर रहे हैं यहीं पे, चलो पहला हो गया, पहला का आंसर आप लोग का ये रहा, है ना? दूसरा ट्रेंड्स पे आते हैं। ये ट्रेंड्स आप एकदम लिख के रखो, इधर से आपको 2 क्वेश्चंस तो दिखेंगे ही दिखेंगे एग्जाम में, 2 क्वेश्चंस मतलब 4 नंबर, ठीक है? चलिए ओके, प्यूस एंड मतलब 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है? दूसरा है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये भी करेंगे, 9 या 10 एसिडिक स्ट्रेंथ का देखेंगे। पहला है आपका MgO, ठीक है? SiO2, Al2O3 एंड P4O10, ठीक है? ये ऑर्डर में अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फटाफट फटाफट से कीजिए और करके साकिब सर को सभी लोग सेंड कीजिए, ठीक
ठीक है सकीब सर मेरे को बताते रहिए किनका किनका आगे। ओके नाइस, जल्दी जल्दी कीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो यहाँ पे आपके कंपाउंड्स हैं, पहला है MgO, दूसरा SiO2, तीसरा Al2O3 और चौथा P4O10 है। ठीक है सभी लोग कर कीजिए बिल्कुल। ओके रितिशा शाह वेरी नाइस, वेदांत कुमार मिश्रा, पीयूष गुप्ता बहुत अच्छे करते रहो सभी लोग, कर करके अपना आंसर सेंड करो। साकिब दा को पहले आंसर सेंड करो फिर मैं सही आंसर आपको बताऊंगा और वहां से आप फिर मेरे को चैट बॉक्स में बताना, लाइव चैट बॉक्स में बताना कि किनका सही हुआ किनका गलत हुआ। आप लोग अपना अपना ऑर्डर अरेंज कर लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको। ओके चलिए वेरी गुड, आते हैं इधर, इसका सही आंसर मैं बता दूं आपको। सभी लोग का हो गया, सभी लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया, सभी लोगों ने मार्क कर लिया। सकित आ रहा है आपका आंसर? ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिए इधर, इधर ध्यान दीजिए है ना, बहुत ज्यादा टाइम व्हाट्सएप पर नहीं लगाना है, उसको तुरंत ही सेंड कर देना है और सेंड ना भी करो तो अपने पास रखे रहो। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छे। इधर देख लो MgO, SiO2, Al2O3 और P4O10, इसका सही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सही ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा इसमें P4O10। ठीक है P4O10 इसमें सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है। आप लोगों को इन सबके फंडास पता है ना, सबके फंडास आपके कॉपी में लिखे गए हैं, तो आज ज्यादा फंडास डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रेंड्स ज्यादा करके आज डिस्कस करेंगे है ना। तो P4O10 सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसके बाद क्या रहेगा तो SiO2 रहेगा क्योंकि उसके बाद वो ज्यादा नॉन मेटालिक है। ठीक है देन आफ्टर क्या रहेगा आपका, देन आफ्टर रहेगा Al2O3 और सबसे कम इसमें जो रहेगा वो क्या होगा MgO। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका हो जाएगा, बेसिक का बोला जाता है तो जस्ट अपोजिट है ना। जो लोग नहीं जानते हो उन लोगों के लिए बता देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर पे होता है। ठीक है नॉन मेटलिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे नॉन मेटलिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना था। देखो ये क्या हो जाता है, ये आपका 12 होता, ये 13 होता, एटॉमिक नंबर हम लिख रहे हैं, ये 14 होता और ये 15 होता। तो क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या इंक्रीज करता है 12, 13, 14, 15 नॉन मेटलिक नेचर इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है तो ये सब फंडास आप लोग जानते हो, इसीलिए आज फंडास के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आज ट्रेंड्स पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है जो फंडास है उन फंडास के क्वेश्चंस पे ज्यादा डिस्कशन होगा। ओके ट्रेंड्स नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है ट्रेंड नंबर 3 पे आते हैं और यहीं पे चेक कर लेंगे ना कि आप लोग खुद कितना पढ़े हो। इवन आप लोग ये करते हुए ये चेक करो कि आप लोग फंडास को किस लेवल पे यूज कर सकते हो, राइट है ना, किस लेवल पे आप लोग फंडास को यूज कर सकते हो ये चेक करना है आज आप लोगों को। तो आज आप लोगों का समझ लो कि आप लोग एक तरह से ये समझ लो कि अभी आप लोग बैठे हो अपने नीट के और जेई के एग्जाम में और खुद को चेक कर रहे हो कि आप किस फंडा का कितना यूज कर सकते हैं। ठीक है चलिए बढ़िया, नेक्स्ट है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है, नीट इस क्वेश्चन को दो दो बार पूछ चुका है। ठीक है आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ के और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक है चलिए फटाफट से एकदम शुरू हो जाइए। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये क्वेश्चन तो सबको याद होगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये तो अगर क्वेश्चन एग्जाम पे आ जाए तो ये चार नंबर एकदम रखा हुआ है, समझ लो जो बंदा पेपर सेट करने वाला है वो ये चार नंबर उठा के आपकी तरफ फेंक दिया, जस्ट आपको कैच करके अपने पॉकेट में रख लेना, ये चार नंबर एकदम आपको मिलना ही मिलना। ठीक है ये लगभग लगभग आप लोगों को याद हो गया होगा, क्लास में इतने बार हम लोग किए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछा गया। ठीक है तो क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के, है ना ऑक्सीडेशन नंबर के। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना रहेगा, +7, यहाँ +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1। तो +1, +3, +5, +7, तो इधर से इधर को जाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए आपका एसिडिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ तीन ऑक्सीजन है, यहाँ चार ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एकदम सिंपल सा। तो ऑर्डर कैसा रह जाएगा भाई, ऐसा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। सब लोग को समझ में आया, जिनका सही हुआ वो लोग अपना नाम लाइव चैट बॉक्स में डाल दो, जिन लोगों का सही हुआ ये ट्रेंड्स थ्री वो लोग इसको लाइव चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक है जल्दी जल्दी करो एकदम फटाफट से, देखो मेरे को कितने लोग सही करे। ओके आशीष, रोहित, पूजा, सुकृति, लिप्सा, फरहान, सोनाली, आनंद, वेरी गुड, रितिशा, वेदांत, ओके नाइस, निकिता, पीयूष, शानिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बस इतना ही लोग का सही हुआ।
चलो भाई बढ़िया, हमको तो लगा था कि सभी लोगों का सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जिनका भी गलत हो आप लोग मार्क करते चलना, इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते चलो और एकदम यूज करो फंडास का, बहुत बढ़िया से यूज करो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज करो इन सब चीजों का, यूज करते करते सीख जाओगे। चलो ट्रेंड्स नंबर फोर की तरफ आते हैं। ट्रेंड्स नंबर फोर में क्या बताया गया, अभी क्या है क्वेश्चन में बोला गया है CH4, H2O, HF and NH3 है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है इन लोगों को, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है इन लोगों को। ठीक है, इन लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। फटाफट फटाफट एकदम शुरू हो जाइए, है ना, CH4, H2O, HF, NH3 एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कर लिए, कर लिए अरेंज सभी लोग, हो गया सभी लोगों का, बहुत सुंदर। मेरे को सेंड मत कीजिए, है ना, साकिब सर को सेंड करते रहिए, हम अभी देख नहीं पाएंगे यहाँ पे, है ना, और थोड़ा सा लाइक्स वाइक्स बढ़ा दीजिएगा, है ना, कोशिश कीजिए 50 लाइक इस पे आ जाए, 50 लाइक्स तक पहुंचाइए इसको, है ना। कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये सब, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने चाहिए। हो गया, चलिए हो गया, CH4, H2O, HF और NH3 एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको अरेंज कर देना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, ये सभी एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पे चल रहे हैं, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। एसिडिक ऑर्डर क्या होगा इसका आपको बताना है। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर यहां पे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, आंसर बता दे रहा हूं, आंसर में क्या रहेगा भाई, आंसर में क्या रहेगा, आ जाएगा HF रहेगा सबसे ज्यादा, ये जो है आपका सबसे ज्यादा HF रहेगा। ठीक है, HF के बाद आपका क्या रहेगा भाई, तो HF के बाद आपका H2O रहेगा, H2O के बाद NH3 रहेगा, NH3 बेसिकली बेस में काउंट होता है इसका, लेविस बेस इसको कहते हैं, और सबसे कम क्या रहेगा CH4। यही आपको बस ये ट्रिक यूज कर देना है, यहाँ पे ये ट्रिक यूज कर देंगे और ये बच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो HF सबसे ज्यादा, फिर H2O, फिर NH3 और फिर CH4। ओके, कितने लोगों का सही हो रहा है सर? ओके, सभी लोग सेंड करते रहिए, देख लीजिए इसका आंसर जो है सो कुछ ऐसा है, है ना, HF, NH3, H2O and CH4 सबसे लास्ट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अगले ट्रेंड पे आ जाए, नेक्स्ट ट्रेंड नंबर 5 की तरफ आते हैं। आप लोग करते रहिए, करते रहिए, देखिए सही हो गलत हो करते रहिए, ठीक है ना, सही होना गलत के बाद ही होता है, तो पहले गलत कर लो जितना गलत करना है, उसके बाद अपने आप सही होने लगेगा। ठीक है, चलो, ऐसे गलत हो नहीं रहा होगा, बहुत कम लोग ही गलत हो रहा होगा जो लोग पहली बार इन सब चीजों को देख रहे हो, बाकी तो आप लोगों को अगर ट्रिक्स याद होगा तो सब कुछ बन जाएगा, है ना भाई, अरेंजमेंट सही था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोनाली करते रहो बेटा, हो जाएगा, है ना, एक दो बार होता है ऐसा, कभी कभी लोग इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग में ये कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ में है आपका बोला गया है SiH4 है, H2S है, PH3 है एंड आपका HCl है। ठीक है, बोला गया एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा हिलेगा, है ना, ओके नाइस। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करता है, देख लीजिए पूरा दिख रहा होगा आपको, SiH4, H2S, PH3 और HCl के लिए अरेंज करना है इसको, फटाफट से कर दीजिए जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, कंपाउंड है SiH4, H2S, PH3 और HCl। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका ऑर्डर, जल्दी जल्दी से कीजिए, एकदम फटाफट फटाफट से हाथ पर चलाइए, और याद रखो एसिडिक स्ट्रेंथ का 2-3-4 जो ट्रिक्स आप लोगों को क्लास में मैंने बताया वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक नेचर के, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल के, प्लस आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंटर एटम का। ठीक है, ये सब अगर आप यूज करते हो तो इजीली बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई, तो हम लोग आते हैं, क्या क्या है हम लोग के पास, SI का एक एलिमेंट है, एक S का एलिमेंट है, एक P का है और एक H का है, सबका हाइड्राइड है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, इसका आंसर कैसा रहेगा, तो इसमें रहेगा SiH4 का सबसे कम, SiH4 के बाद सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस रहेगा, फॉस्फोरस के बाद सल्फर आता है, सल्फर रहेगा, बोले तो H2S रहेगा,
और H2S के बाद आपका क्या रहेगा, HCl, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, सही है। जिनका सही है ड्रॉप योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ओके, ड्रॉप योर नेम इन द लाइव चैट बॉक्स फटाफट से, है ना, ओके, फरहान, सोनाली, आर्यन, वेरी गुड, वेरी नाइस, आनंद, बहुत बढ़िया आनंद, बहुत अच्छे तिवारी जी, ओके, रोहित पंडित, बहुत बढ़िया रोहित, शानिया अंसारी, बहुत अच्छा सानिया, देन सुप्रिया मिश्रप्पा, बहुत अच्छा सुकृति, वेरी नाइस सुकृति, देन लिप्सा प्रियदर्शनी, बहुत ही बढ़िया लिप्सा, एकदम टिपिटा पिटा, है ना, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं ट्रेंड नंबर सिक्स के तरफ, ट्रेंड नंबर सिक्स में क्या बताया गया अभी, तो ट्रेंड नंबर सिक्स में है आप लोग का दे दिया है H2O, ठीक है, H2S, H2SE एंड H2T, इसलिए स्टूडेंट के ऑर्डर में अरेंज कर देना है, फटाफट से कीजिए जरा, है ना, कंपाउंड है आप लोग का एकदम सिंपल सिंपल से दे दिया है H2O, H2S, H2SE और H2T, ठीक है, जल्दी से कीजिए एकदम फटाफट से बताइए इसे, आंसर दीजिए इसे, ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट से, चलिए जिन लोगों का सही हो रहा है सही होने दो, गलत हो रहा है गलत होने दो, बस इन लोग इसको सीखते चलो, सही ऑर्डर लिखते चलो, ठीक है ना, साथ में सही ऑर्डर लिखते चलो, और एक जगह सेपरेटली कहीं पे लिखना इस पूरे चीज को, ठीक है, सेपरेटली एक जगह पे लिखना, पूरे ट्रेंड्स एक जगह पे आपके आ जाएंगे, अराउंड ऑफ ऐसे क्लासेस में आप लोग को हम कम से कम 150 ट्रेंड्स करवा देंगे, ठीक है, और उन लोगों को सारे ट्रेंड्स को याद रखने का तरीका भी बता देंगे, उसके ऊपर बेस्ड आपको फंडाज भी बता देंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको जो हम बाद में फिर शॉर्टलिस्ट करके आपको दे भी देंगे कि कौन कौन सा आपका इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको 8 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया हो गया, सभी लोग अपना अपना दे दिए, चलिए तो ऑर्डर अरेंज कर देते हैं, ऑर्डर अरेंज हो जाएगा, देखो ऐसा होता है क्या कि और सबसे ते पूछ ऐसा होता है ना, डाउन द ग्रुप आते हुए नॉन मेटलिक, डाउन द ग्रुप आते हुए क्या हो जाएगा, इन लोगों में एसडी के स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट, तो डाउन द ग्रुप आते हुए एसडी के स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ेगा इन लोगों का, तो एसडी के स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, तो ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कुछ आपका हो जाएगा H2O, H2S, H2SE और H2T, ऐसा कुछ आपका ऑर्डर रहेगा, तो आप लिख लो इसको फटाक से, ये आपका ऑर्डर हो गया ऐसा, ठीक है, H2O, H2S, H2SE और H2T, ठीक है, अब किनका सही था एक बार अपना नाम ड्रॉप बॉक्स में डाल दो फटाक से, अपना नाम एक बार चैट में डालो, किनका किनका सही था, ओके, रितिशा, वेरी नाइस रितिशा, बहुत बहुत बढ़िया, ओके, आशीष, सुकृति, रोहित पंडित एंड पूजा मंडल, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है, फरहान का तो नाम नहीं दिख रहा है मेरे को, बगल से बोल रहा है बस, है ऐसा थोड़ी होता है, ओके, सेवेंथ नंबर ट्रेंड दे देंगे, है ना, एसडी के स्ट्रेंथ का ट्रेंड समझ में आ रहा है क्या सभी को, समझ में आ रहा है क्या सभी लोगों को, यस और नो, एसडी के स्ट्रेंथ का ट्रेंड सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो, ओके, आदित्य पारी की जो आंसर ये, नाइस आदित्य, वेरी गुड, ओके, वेरी, देखते रहो, अगला जो हम लोग का ट्रेंड है दैट इज एचएफ, एचसीएल, एचबीआर एंड एचएफ, ठीक है, एसिडी के स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको भी अरेंज करना है, ठीक है, एसिडी के स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको भी अरेंज करना है, एचएफ, एचसीएल, एचबीआर और एचएफ, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, तो कैसे अरेंज करेंगे जरा फटाफट से बता दीजिए, एचएफ, एचसीएल, एचबीआर और एचएफ, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, कंपाउंड आपके सामने है, एचएफ है, एचसीएल है, एचबीआर है और एचआई, कैसे अरेंज कर जाएंगे, हो गया सभी लोगों का, सभी लोग अपना अपना आंसर रेडी कर दिए, आप लोग अपना आंसर रेडी करके अपने पास भी रखो, जरूरी नहीं है कि हर आंसर को सेंड करो, अगर दिक्कत हो रहा है बार बार सेंड करने में तो अपने आंसर को अपने पास रखो, मैं इधर कर दूंगा सॉल्व, फिर आप मैच कर देना, मैच करके मेरे को यहाँ पे बता देना सही हुआ कि गलत हुआ, ठीक है, सही हुआ कि गलत हुआ, दोनों ही बता देना, दोनों ही बता देना सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है, ऑर्डर कैसा रहेगा भाई, तो ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा कि एचआई सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर एचबीआर, फिर एचसीएल, फिर एच, ये तुम्हारा क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से डिसाइड करते हैं, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से डिसाइड करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो काफी लो होता है, जिसकी वजह से एचआई का बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है ना, और ये H+ को इजीली रिलीज कर देता है, और यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड एनर्जी
बोले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, तो यहाँ से जल्दी रिलीज नहीं होता, इसके एसिडिटी से ज्यादा इसका कम होता है। यही आप लोग को फंडा भी दिए थे, क्या फंडा दिए थे, बड़ा छोटा का बॉन्ड जल्दी टूटता है, राजा हिंदुस्तानी, बड़ा छोटा का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा जैसे क्या भैया, राजा हिंदुस्तानी, याद है क्या सभी को, बहुत सुंदर। तो देखो ये एक छोटा और एक बड़ा का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन छोटा है और आयोडीन बहुत बड़ा है, और यहाँ देखो फ्लोरीन, हाइड्रोजन छोटा और फ्लोरीन भी उससे भी छोटा, हाइड्रोजन छोटा क्लोरीन छोटा, हाइड्रोजन छोटा ब्रोमीन छोटा, लेकिन हाइड्रोजन छोटा और आयोडीन सबसे बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा और छोटा आ गया, तो बड़ा और छोटा आते हैं क्या हो जाएगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो इसका जल्दी रिलीज हो जाएगा, इसको याद रखना एकदम बढ़िया से, ठीक है। किनका सही हुआ ये ट्रेंड, एक बार अपना ड्रॉप योर नेम इन द चैट बॉक्स, किनका किनका सही हुआ भाई, एक बार चैट बॉक्स में नाम ड्रॉप कर दो। ओके दिस इज फरहान, रोहित, आशीष, श्रीदीप, वेरी नाइस श्रीदीप, बहुत बढ़िया, सुकृति, आर्यन, आनंद, पूजा, मनीष, ओके मनीष इज हियर, वेरी गुड वेरी गुड, लिप्सा, रिमझिम, रितिशा, मनीष अपने ग्रुप में सबको इन्फॉर्म कर दो, सब लोगों को बोल दो आ जाने के लिए, ठीक है। सोनाली, सानिया, पीयूष, ओके वाह बहुत लोग सही हुआ, सही है, बहुत अच्छा। चलिए अगले ट्रेंड्स पे आ जाते हैं, ट्रेंड नंबर 8 पे आ जाते हैं, ठीक है, ट्रेंड नंबर 8 पे आ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है भाई। ये भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है, INCl3 है, GaCl3 है एंड AlCl3, ठीक है, इसको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर देना है, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर देना है INCl3, GaCl3 एंड AlCl3, ठीक है, फटाफट से कर लीजिए, INCl3, GaCl3 और AlCl3 को एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर देना है, आप अरेंज कर दो और हम ये दे देते हैं और तुरंत से आप अपना करेक्शन कर देना। हर एक सही पे बेटा आप लोग 4 नंबर खुद को अलॉट करोगे, ठीक है, हर एक सही के साथ 4 नंबर और हर एक गलत के साथ -1 भी आप लोग करते चलोगे, और ओवरऑल क्लास खत्म होने के टाइम पे मैं आपसे पूछूंगा कि किसने कितना मार्क्स गेन किया, और एकदम ऑनेस्टली है ना आप अपना मार्क्स मेरे को बता देना, और फिर मार्क करके रखना कि किस ट्रेंड में गलती हुआ, जिस ट्रेंड में भी गलती हुआ है क्लास में फिर उस ट्रेंड पे बात करेंगे, ठीक है, ओके वेरी गुड। देखिए INCl3, GaCl3 और AlCl3, इसके ऊपर में क्या करना है भाई, आपको आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, तो आप अरेंज कर दीजिए फटाफट से अपने एसिडिक ऑर्डर के स्ट्रेंथ में, हो गया सभी लोगों का, ओके चलिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है AlCl3 सबसे ज्यादा, फिर GaCl3 और सबसे कम INCl3, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। तो किनका किनका सही हुआ वो करेक्ट लिखेंगे और जिनका जिनका गलत हुआ वो रॉन्ग लिखेंगे और चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, फटाक से, जिनका सही हुआ वो करेक्ट लिखेंगे, जिनका गलत हुआ वो रॉन्ग लिखेंगे और चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ओके वेरी गुड। आर्यन तिवारी, फरहान, ओके आशीष, बहुत बढ़िया आशीष, वेरी गुड वेरी गुड, ओके श्रीदीप, बहुत बढ़िया श्रीदीप, नाइस आनंद, ओके बहुत अच्छे है ना, गुड सुप्रिया, ओके गुड लिप्सा, नाइस, ठीक है ठीक है, आप इसको मार्क करके रखो, ठीक है ना, जिन लोग का गलत हुआ ना वो लोग मार्क करके इसको रखिए, और ये सब क्लास में जब आएंगे आप तो वो मार्क किया हुआ क्वेश्चन मेरे से आकर के पूछेंगे, ठीक है, कि भैया ये मैंने मार्क करा था और ये गलत हो गया, तो संग संग मैं आपके कॉपी पे कोई फंडा लिख दूंगा और उसको लेकर के फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके फटाफट से बन जाने हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ट्रेंड नंबर 8, एंड नाउ एक और ट्रेंड करते हैं इसमें, फिर इसको खत्म कर देते हैं एसिडिक वाला, फिर दूसरे कैरेक्टर पे आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रेंड नंबर 9, ट्रेंड नंबर 9, ठीक है, ट्रेंड नंबर 9 में है Bi3, BF3, BCl3 एंड BBr3, ठीक है, इसको आपको एसिडिक ट्रेंड में अरेंज कर देना है, फटाफट कर दीजिए जरा, फटाफट से इसको रेडी कर दीजिए। तो
हो गया? ओके नाइस, ठीक है, जल्दी जल्दी से अपना ट्रेंड रेडी कर दीजिए, फिर बात करते हैं इस पर क्या है इसका सही आंसर। कंपाउंड है Bi3, BF3, BCl3 एंड BBr3, और इसको आपको अरेंज करना है किस चीज में, इसको आपको अरेंज कर देना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ओके तो क्या ऑर्डर रहेगा, सभी लोग ने अपना अपना लिख लिया आंसर, चलिए तो मैं अपना लिख दूं, अब सही आंसर क्या है इसका। चलिए इसका सही आंसर है आपका कि इसमें सबसे ज्यादा रहेगा पहला ही Bi3, ओके Bi3 सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका रहेगा BBr3, ठीक है, देन रहेगा BCl3 एंड देन सबसे कम रहेगा BF3, ठीक है, दिस विल बी द राइट वन, Bi3, BBr3, BCl3 एंड BBF3, ठीक है, तो किनका किनका सही हुआ, ड्रॉप योर नेम इन द चैट बॉक्स, ड्रॉप योर नेम इन द चैट बॉक्स कि भैया मेरा सही हुआ मेरा गलत हुआ, सब लोगों को ये ट्रेंड्स आप लोगों ने लिख लिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, जितने भी ट्रेंड्स आपने देखे हैं ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड है, ठीक है ना, जिसको मैंने कलेक्ट करके एक जगह लिखा और ये सब आप लोगों को मैं कराते चला रहा हूँ, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है भैया, आप इन लोगों को लिख के रखिए। ओके जिनका सही हुआ उन लोगों का नाम है आर्यन, रोहित, आनंद, पूजा, सुप्रिया, मनीष, फरहान, लिप्सा, रिमझिम, रोहित एंड सानिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के 9 सबसे टॉप ट्रेंड्स, ठीक है, तो आप इनको लिख के रखिए अपने पास और इन्हीं में से आप उम्मीद कीजिए कि एक या दो ट्रेंड आपके प्रीवियस ईयर में दिख जाए, मतलब आपके पेपर पे दिख जाएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, ये तो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का प्रॉपर्टी कंप्लीट, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है देखते, ठीक है, बहुत सुंदर, अगला देखते हैं बॉन्ड एंगल के ट्रेंड्स, ठीक है, बॉन्ड एंगल के ट्रेंड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बॉन्ड एंगल के ट्रेंड्स को लोग देखेंगे, ठीक है, चलिए बॉन्ड एंगल का ये हो गया आपका ट्रेंड नंबर 1, बॉन्ड एंगल का पहला ट्रेंड, ठीक है, बॉन्ड एंगल के पहले ट्रेंड में हम लोग अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक का एक कंपाउंड लेते हैं जैसे CH4, C2H4 एंड C2H2, ठीक है, इसको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज कर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आप लोगों को, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे कम पहले लिखना है, फिर इंक्रीजिंग की तरफ में आपको बॉन्ड एंगल को बढ़ा देना है, ठीक है, फटाफट से बता दीजिए मेरे को क्या ऑर्डर रहेगा, हो गया लिख दिया सभी ने, ओके बहुत बढ़िया, देखो भाई क्या ऑर्डर रहेगा मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे रहने इसके, तो ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट, तो ये आपका एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, तो पहला एल्कीन था sp3, sp2 और sp, हम लोग जानते हैं फंडा कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज इस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज इस कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना है 50%, यहाँ पे कितना है 33.3% है और यहाँ कितना है 25%, ठीक है, तो ये परसेंटेज इस कैरेक्टर के आपके ऑर्डर है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो कैसा रहेगा बॉन्ड एंगल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आपको चाहिए तो आपको मैंने cos थीटा = -1 पे दी करके एक फंडा बता के रखा है क्लास में, आप वहां से इसको निकाल सकते हो, आपको मिल जाएगा कि ये है 180, है ना, ये है आपका 120 और ये है आपका 180 और ये है आपका 109.5 डिग्री, ठीक है, ये आपका सही बॉन्ड एंगल भी रहेगा जो कि आप निकाल सकते हो cos थीटा इक्वल टू -1/p वाले फंडा से, सभी लोग को याद होगा, ठीक है, तो ये आपका पहला ट्रेंड बॉन्ड एंगल का पहला ट्रेंड जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे परसेंटेज इस कैरेक्टर निकाल कर, ठीक है, दूसरा बॉन्ड एंगल का दूसरा जो ट्रेंड है, अच्छा हाँ ये सही हुआ क्या आप लोगों का, जिन लोगों का सही हुआ जस्ट ड्रॉप योर नेम हियर, जस्ट ड्रॉप योर नेम हियर,
ओके नाउ दिस इज फरहान सोनाली आनंद वेरी गुड रोहित पंडित आशीष शर्मा विनय कुमार ओके वेरी नाइस आदित्य पारिक लिप्सा प्रियदर्शनी मनीष आनंद सिंह रिमझिम पीयूष गुप्ता सानिया वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ठीक है चलिए तो जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग इसको मार्क कर देंगे बाकी जिन लोगों से हो गया उन लोगों को सारा कॉन्ग्रेचुलेशन H2O NH3 CO2 एंड CH4 बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर इन कंपाउंड्स का क्या होने वाला है कंपाउंड है H2O NH3 CO2 और CH4 बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर इन कंपाउंड्स के क्या होने हैं फटाफट सब लोग बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर इन कंपाउंड्स के क्या होने हैं ठीक है हो गया सभी लोग का ओके मेक योर आंसर टेक योर टाइम अपना टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तुम्हारे पास भी भरपूर टाइम है मेरे पास भी भरपूर टाइम है कोई घबराने की जरूरत नहीं है आराम से इसको करते रहो कंपाउंड है H2O NH3 CO2 और CH4 और ऑर्डर अरेंज करना है बॉन्ड एंगल ठीक है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर में अरेंज कर देना इनको ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे इन लोगों का देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर दो तो ये sp3 है ये भी sp3 है ये sp है राइट और ये sp3 है तो sp है तो परसेंटेजेस करके सबसे ज्यादा सीधा 180 दिख गया 180 से ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें आएगा नहीं तो सबसे ज्यादा CO2 हो जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है बाकी सभी देखो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे तब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज सभी लोग हो जाएंगे तो लोन पेयर हम चेक कर जाएंगे यहाँ पे दो लोन पेयर है यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे जीरो लोन पेयर है और हम लोग एक फंडा जानते हैं बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल जीरो है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल लोन पेयर जीरो है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा फिर लोन पेयर वन वाले का ज्यादा रहेगा लोन पेयर टू वाले से ठीक है तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा कोई दिक्कत जिन लोगों का सही है जस्ट ड्रॉप योर नेम हियर ओके बहुत सुंदर कोई बताएगा क्या NH3 का बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है चैट बॉक्स में कोई बताएगा NH3 के बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है ओके NH3 के बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू ओके रितिशा वेरी नाइस और कोई बताएगा NH3 का बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है या बोलो फरहान बता दिए 107 ओके वेरी गुड चलो भाई बढ़िया सही है आगे बढ़े तो आते हैं इसके थर्ड ट्रेंड की तरफ में ठीक है थर्ड ट्रेंड की तरफ में आते हैं बॉन्ड एंगल का ट्रेंड नंबर 3 ठीक है ट्रेंड नंबर 3 में बता दिया है आपको दिया है H2O अगेन NH3 BF3 एंड CH4 ठीक है और बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करना है आपको बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है H2O NH3 BF3 एंड CH4 ठीक है आप इसको फटाफट लिखो और इन सारे ट्रेंड्स को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना ठीक है ना जब भी रिवीजन करना ये ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए ये ट्रेंड्स आप लोगों को सीधा सीधा चार नंबर दिला देंगे एक भी ट्रेंड आ गया अगर दिन में से तो चार नंबर आपको सीधा मिल जाएगा तो आपको पता है कि भाई एग्जाम के कम से कम दो ट्रेंड्स आपको मिलने है ना मेंस में कम से कम दो ट्रेंड्स आपको मिलने तो भाई आपको पता है कि किस पेज को पढ़ने से आपको मेंस में 8 नंबर मिल जाएंगे है ना तो उसको बार बार पढ़ के जाना एग्जाम में ठीक है चलो H2O NH3 BF3 एंड CH4 व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस ओके व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस तो H2O सबसे कम रहेगा ठीक है दो लोन पेयर के साथ रहे NH3 उसके बाद रहेगा ठीक है अब फिर बात कर दिया तो यहां पे CH4 आ जाएगा है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ BF3 आगे निकल जाएगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड रेस्ट ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद जीरो लोन पेयर वन लोन पेयर एंड टू ठीक है तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ओके
किनके किनके ऑर्डर ये सही हुए हैं, जस्ट मेंशन योर नेम हियर, जस्ट मेंशन योर नेम। ओके सोनाली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सोनाली, वेरी गुड। ओके इसके बाद फरहान है, सुकृति, ओके आशीष करेक्ट है, वेरी नाइस, आनंद सही है, देन पूजा मंडल, पूजा वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओके वेरी लेबोरियस एंड कंसिस्टेंट टू, पीयूष, ओके लिप्सा वेरी नाइस, आर्यन तिवारी, विनय, ओके रितिशा बेटा जी वेरी नाइस, देन सानिया, श्रीदीप बहुत बढ़िया, श्रीदीप भी अच्छा करते चल रहा है, बहुत अच्छे श्रीदीप, कीप इट अप, ठीक है। बाकी लोग रात को सो रहे हैं जब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, देन गूगल गेट कर रहे हैं रैंक, किनको रैंक मिलेगा भाई, तो उनको जो रात भर जग के पढ़ रहे हैं, उनको नहीं जो सो रहे हैं, ठीक है। चलो अगला कंपाउंड है एनओ टू माइनस, एनओ टू प्लस, ठीक है, और एनओ टू, क्या ऑर्डर रहेगा भाई, क्या ऑर्डर रहेगा भाई बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसा रहेगा, एनओ टू माइनस है, एनओ टू प्लस है और एनओ टू है, ठीक है। तो आपको बस वही ट्रिक यूज करना है अभी, बॉन्ड एंगल, अच्छा एनओ टू प्लस है, पहला वाला एनओ टू प्लस है, फिर एनओ टू माइनस है, एंड देन एनओ टू है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा सा ऑर्डर क्या यूज कर देना है बंधु, आपको ऑर्डर यूज कर देना है क्या भाई, कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन, ठीक है। आप यहाँ से फटाफट से बता दो मेरे को क्या होगा, पहला एनओ टू प्लस है, दूसरा एनओ टू माइनस है और एनओ टू है, एंड जस्ट टेक योर टाइम, ठीक है, आराम से सोच के कीजिए। आपके पास टोटल ऑफ अबाउट 90 सेकेंड्स है एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो एकदम अपना टाइम लो, भरपूर टाइम लो, करो फिर बनाओ, फिर देखो कि सही बने, राइट। चलो बहुत सुंदर, एनओ टू प्लस, एनओ टू माइनस और एनओ टू, आपको बस सोचना है नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बारे में। चलिए बात करें, एनओ टू जो है, एनओ टू के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। एनओ टू माइनस के पास वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो एक माइनस चार्ज आने की वजह से लोन पेयर की जैसे कन्वर्ट हो गया, और ये एनओ टू प्लस से भाग गया, तो एनओ टू प्लस से, तो एन प्लस मतलब क्या सिखाते हैं आपको, कार्बन, तो सीधा सीओ टू का हाइब्रिडाइजेशन अटेन करेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल 180 हमको सीधा सीधा दिखेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे एनओ टू प्लस जो है ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखो एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, तो अभी अभी तो बात की हम लोग की बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपको एक लोन पेयर दिख रहा है और यहाँ पे आपको कम रिपल्सन दिखेगा, यहाँ पे कम रिपल्सन दिखेगा, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एनओ टू का, किससे भैया, एनओ टू माइनस, दिस विल बी द राइट वन, दिस विल बी द राइट ऑप्शन, कि भैया एनओ टू प्लस का आपका सबसे ज्यादा, देन एनओ टू का, और सबसे कम आपका किसका रहेगा, एनओ टू माइनस। क्लियर है बात, एकदम क्लियर, बढ़िया, ये लिख लिया कि आप लोग एनओ टू प्लस, एनओ टू और एनओ टू माइनस, सही है, फरहान बहुत बढ़िया, गुड। तो नहीं बनाया, सही बनाया, ओके वेरी गुड, ओके फरहान का सही है, वेरी गुड, श्रीदीप का भी सही है, आशीष, रिमझिम सबको का सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आज के क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे। चलो अच्छा है, हर क्लास में सीखते हो, आज के क्लास में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस का टॉपिक सीखोगे, ठीक है। चलिए आगे है H2SE, है ना, देन H2S, देन H2O, बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है, ये सीधा सीधा आपके कॉपी से क्वेश्चन है ना, ये आपके कॉपी से क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये है आपका ट्रेंड नंबर 4, यहाँ तक ट्रेंड नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, फिर ट्रेंड नंबर 5 है, ट्रेंड नंबर 5 में आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, H2SE, H2S और H2O, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्या करेक्ट ट्रेंड आप अरेंज करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, हो गया सभी लोगों का, एवरीवन डन, ओके तो मैं करता हूँ, फिर देखो आंसर क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा ऐसा कुछ, ठीक है, इसका मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हम लोग बात किए थे कुछ एक केसेस को लेकर के, ठीक है, उस केसेस में सेम हाइब्रिडाइजेशन वाली एक 3 केसेस मैंने बनाई थी, केस 2 से ये बिलोंग करता है, ठीक है, आपके कॉपी का बॉन्ड एंगल टॉपिक में केस 2 से ये बिलोंग करता है, केस 2 में मैंने आपको बताया था व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम
लोन पेयर सेम, बॉन्डेड एटम सेम, बट डिफरेंट सेंट्रल एटम्स, देन बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, राइट। तो यहाँ पे देखो भैया, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एक ही ग्रुप से ही ये लोग, तो डाउन द ग्रुप आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा इन लोगों का, कम हो जाएगा, क्योंकि यही लोग सेंट्रल एटम है, ये लोग सेंट्रल एटम है, तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा आपका। केस थ्री वाला ये, केस टू वाला ये फंडा है आपका, आपके कॉपी से क्लियर है एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को, कोई भाई साहब को कोई दिक्कत इसमें, बहुत बहुत अच्छा। तो ये हो गया आपका ट्रेंड नंबर फाइव, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ आते हैं। समझ में आ रहा है क्या सभी को? चलो बहुत सुंदर, अब थोड़ा सा क्लास में आग लगाते हैं, है ना। ओके, अगला है आपका ASH3, देन है आपका NH3, बहुत बढ़िया, देन है आपका PH3, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर मैनेज करना है, ये ट्रेंड नंबर है आपका 6, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका आंसर मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है, जो सबसे पहले भेजेगा वो कुछ पाएगा मेरे से रिटर्न, पक्का कुछ ना कुछ अब भी पाएगा, ठीक है। तो क्या है भाई, ASH3, NH3, PH3, मेरे व्हाट्सएप पे फटाफट भेजना है भाई आंसर, एकदम फटाफट फटाफट, जो सबसे पहले भेजेगा वो सबसे पहले कुछ पाएगा, एकदम जल्दी जल्दी से, पुराना सारा मैसेजेस हम क्लियर कर दे रहे हैं अभी, गुड, चलो भेजो फटाक से, जिसका नाम सबसे पहले दिखा सही ऑर्डर के साथ में वो कुछ पाएगा। ओके, दिस इज देवा एंड फरहान, बोथ टुगेदर, दोनों एकदम साथ साथ आया है। ओके, देवा का आंसर तो देख गया, फरहान भाई साहब का आंसर भी दिख गया। ओके ओके, कमाल का बात तो ये है कि पहले व्हाट्सएप ने इसके मैसेज को डाला है, देवा के मैसेज को, और एकदम सही है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे आनंद कुमार सिंह, बहुत अच्छे बेटा, है ना, रिप्लाई में कुछ भेज रहे हैं तुमको, है ना, देख लो रिप्लाई में कुछ भेज रहे हैं बेटा जी, कुछ मिला क्या, बहुत सुंदर, चलो सही ऑप्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो फास्ट भेजने वाले का आंसर हम चेक करेंगे एकदम, जो सबसे फास्ट भेजेगा, ठीक है, बाकी लोग का आंसर पेंडिंग में रहेगा, ठीक है। सर आपका नंबर ही नहीं है मेरे पास, ओके, आपके ग्रुप में होगा मेरा नंबर, वहां से ले लीजिए, साकिब सर कल के क्लास में शायद मेरा नंबर छोड़े थे ग्रुप में, आप वहां से ले लीजिए मेरा नंबर, ठीक है, आपके क्लास ग्रुप में होगा। ओके नाइस, ऑर्डर क्या रहेगा भाई, इसका सही ऑर्डर क्या रहेगा, तो सही ऑर्डर में आ जाएगा आपका यहाँ पे NH3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, अभी जो फंडा दिया था उसी फंडा के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी दिया था, NH3 देन PH3 देन ASH3, वही केस 2 का फंडा है ये, ठीक है, सेंट्रल एटम के डायरेक्टली, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहेगा। ओके बहुत सुंदर, चलिए वेरी गुड, इसके बाद अगले पे आते हैं, नेक्स्ट आपका ट्रेंड नंबर 7, ट्रेंड नंबर 7 है आपका, ट्रेंड नंबर 7 में क्या है भाई, इसमें बता दिया गया है PF3 है, PCl3 है, PBr3 है और PI3 है, ये केस नंबर 3 है, आपके कॉपी का केस 3 है ये, ठीक है। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम एंड बॉन्डेड एटम इज डिफरेंट, केस 3 है आपके कॉपी का ये, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 फटाफट से जल्दी आंसर दो, जिसका आंसर आया मेरे व्हाट्सएप पे सबसे पहले he will get something। ओके, दिस इज देवा अगेन, वाओ बहुत बढ़िया, क्या ही कमाल कर दिया ये लड़का, गजब, शाबाश शाबाश देवा, बहुत बढ़िया एकदम, बहुत सारा ब्लेसिंग्स मेरे भाई, बहुत सारा ब्लेसिंग है ना, फिर से एक मैसेज तेरे लिए, बहुत सुंदर, ले ले एक रिवॉर्ड मेरी तरफ से, देख ले अपने व्हाट्सएप पे भेज दिया कुछ, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड, चलो
अगले अगले अच्छा इस ट्रेंड का पहले आंसर दे देते हैं भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा, देखो कभी भी ध्यान से मेरे बात को सुनना, PF3, PCl3, PBr3, PI3 आपको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए जहां पे हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, सेंट्रल एटम भी सेम रहेगा, फास्फोरस है, लोन पेयर भी सेम रहेगा, सबके पास 1-1 है और बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, तो इन दिस केस बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डेड एटम होता है। बॉन्डेड एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्डेड एटम का साइज इधर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी सेम में बढ़ जाएगा। तो PI3, PBr3, PCl3 और सबसे कम PF3। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? केस 3 आपके कॉपी से, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, देखो कॉपी में फंडास है, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात है। आप पढ़े भी हो और बढ़िया बात है, आप यूज करना सीखो क्वेश्चन पे, ये जरूरी है। प्रोडक्टिव ये है कि आप फंडास को यूज करो जब भी आपको जरूरत पड़े उसकी, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास AK-47 है, सामने वाला बंदूक में क्या रहा है, मेरे को AK-47 चलाने ही नहीं आता है, तो आकर के मेरे को लाठी लेकर के आएगा और मार के चला जाएगा, खाली हाथ आएगा दो थप्पड़ लगा के लेके चला जाएगा, राइट? तो भैया अगर मेरे पास है तो यूज करना, ठीक है? तो चलो बढ़िया बात है कि अपने पास है, ठीक है, अब क्या करना है उसको यूज करना सीखना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका ट्रेंड नंबर 7, अब आते हैं ट्रेंड नंबर 8 की तरफ, बॉन्ड एंगल। जब तक सभी लोग का सही नहीं होने लगेगा हम लोग बॉन्ड एंगल के ट्रेंड्स को करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ट्रेंड नंबर 8 नंबर ट्रेंड के पास आते हैं। क्या बोला गया है भाई इसमें? बोला है आपका NF3 एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है NCl3, NF3 एंड NCl3, और आपने बताना है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है NF3 और NCl3 में। अब भी जो ट्रिक आपको दिया ना उसी के ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है। NF3 एंड NCl3 बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर क्या है, फटाफट से भेजना है। संगीत सर आंसर आ रही है क्या आपके पास? ओके, आई गॉट द आंसर फ्रॉम बहुत बढ़िया, वेरी नाइस फरहान, बहुत बढ़िया। ये लड़का ना गुदरी का लाल है ये लड़का, ठीक है। चलो बेटा जी मेरे तरफ से कुछ, ठीक है, चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा फरहान, बहुत ही अच्छे, ठीक है। एंड देवा भी इसका आंसर दिया था, इवन फरहान के साथ ही दिया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे देवा, बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर, ठीक है, एकदम आग लगा दिया तू, आग लगा दिया, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो इसका सही आंसर हम दे देते हैं और बाकी सब लोग ट्राई करो, ठीक है, बाकी सब लोग ट्राई करो सही करने का। जब एक बार सही आंसर होने लगेगा ना तो फास्ट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स, ठीक है ना, तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तुम खुद हो, ठीक है। तो चलो भैया क्या है, NF3 और NCl3 बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में कैसे अरेंज हो जाएगा, NCl3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, NF3 कम रहेगा। अभी हम लोग बात किए थे इस चीज को, ठीक है, अभी बात किए थे जो अभी केस 3 जो हम आपको बता रहे थे, केस 3 मतलब ट्रेंड नंबर 7 पे का। तो NF3 NCl3 के बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो आपका NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा NF3 से, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है इससे, फ्लोरीन से, और ये केस 3 का आपका ट्रेंड है, ठीक है। आते हैं ट्रेंड नंबर 9 की तरफ, है ना। ट्रेंड नंबर 9 में क्या बोला गया देख लेते हैं भाई। इसमें बोल दिया गया कि NF3 है, राइट, इसके बाद NCl3 भी है, बहुत बढ़िया, और NH3 भी है, बहुत अच्छे। तो बोला गया कि आप ऑर्डर में अरेंज कर लो जरा, NF3 NCl3 और NH3 तीनों ही है, ऑर्डर में अरेंज कर देना है बॉन्ड एंगल का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना भाई, फटाफट से जरा कर दो, तो फटाफट कर दो एकदम, है ना। NF3, NCl3 और NH3, NF3, NCl3 और NH3, ठीक है, बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, जल्दी से अरेंज कर दीजिए, ठीक है। एंड आई गॉट द आंसर फ्रॉम, अच्छा देख लेते हैं भाई सबसे पहले किन का आंसर आ रहा है। ओके, आंसर तो आ गया है 29 का, सबसे पहला आंसर है फरहान, वेरी गुड, ओके ओके। फरहान का आंसर तो सबसे पहले आया है, लेकिन
ये रॉन्ग है, तो उसके बाद के आंसर जिसका होगा वो सही होगा, ठीक है। एंड हु इज दिस, हु इज दिस, हु इज दिस, ओके, ये है आपका कोई बच्चा है, कौन बच्चा है ये भाई, कौन बच्चा है ये, पूजा मंडल, गजब, सरप्राइजली पूजा मंडल, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। ले पूजा कुछ भेजे तेरे लिए, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है पूजा मंडल, दानकुनी सेंटर से है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, NCl3 एंड NH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे जो कम बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा NF3 का, NF3 के बाद आपका बॉन्ड एंगल आ जाएगा NH3, और NH3 के बाद NCl3 का बॉन्ड एंगल रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर आपका ये है, आपका जो आंसर है दिस इज द आंसर, कि NCl3 सबसे ज्यादा, फिर NH3 और फिर NF3, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, देन आते हैं ट्रेंड नंबर 10 की तरफ, ठीक है। ट्रेंड में बोला गया कि OF2 है, ठीक है, Cl2O है ना, और H2O है, आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है बॉन्ड एंगल का। क्या कंपाउंड है भाई, OF2, Cl2O और H2O, OF2, Cl2O और H2O के सही बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है, क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल का सही वैल्यू, ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट। OF2, Cl2O और H2O, बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर क्या होगा, ओके 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 ओके, चलो हम चेक कर लेते हैं भाई कौन है किसका मैसेज सबसे पहले आया। तो दिस इज अगेन अ सरप्राइज बॉय एंड हिज नेम इज, नो एक सेकंड, ये है आपका आर्यन तिवारी, ओके, अगर सही आंसर रहा तो आर्यन तिवारी का सही होगा, ठीक है, एक सेकंड, ओके नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, एकदम बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आर्यन, वेरी गुड, कुछ मेरे तरफ से तुम्हारे व्हाट्सएप पे, ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भैया। ऑर्डर क्या रहेगा इसका, सही आंसर क्या रहेगा, तो सब लोगों ने अरेंज कर लिया क्या, सभी लोगों ने अरेंज करा, ठीक है, ओके, चलो बहुत अच्छे, देखो क्या रहेगा ऑर्डर भाई, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा Cl2O का सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ठीक है, Cl2O के बाद आपका बॉन्ड एंगल रहेगा H2O का, और यहाँ पे सबसे कम जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा OF, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है, जो कि आर्यन तिवारी है ना, तीसरा RF21D, ठीक है, सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया आर्यन, ठीक है। तो ये है आपका बॉन्ड एंगल के 10 सबसे ट्रेंडिंग ट्रेंड्स के ऑर्डर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बॉन्ड एंगल में, ये 10 ट्रेंड्स जो आपके कॉपी में है, ठीक है, होप सो आप लोगों को 10 में कितना मार्क्स मिला ये बताइए मेरे को, इस ट्रेंड में कितना मार्क्स मिला 10 में, है ना, अगर जितना भी आपका ट्रेंड सही है उतना ट्रेंड इनटू 4 कर देना है, तो इनटू 4 कर देंगे एंड उसमें से माइनस कर देना है जितना गलत हुआ है, ओके, दिस इज फरहान हु गॉट 35 मार्क्स आउट ऑफ 40, ओके, नाउ और दिस इज सुप्रिया मिश्रा, ओके, सुप्रीति मिश्रा एंड सी गॉट 35 आउट ऑफ 40, वेरी नाइस सुप्रीति, वेरी गुड, ओके, सरप्राइज, और कोई क्या मार्क्स मिला आप लोगों को, दिस इज रोहित पंडित हु गॉट 31 आउट ऑफ 40, वेरी गुड पंडित जी, वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू, एंड दिस इज आर्यन तिवारी हु गॉट 35 आउट ऑफ 40, वेरी नाइस, एंड दिस इज पूजा मंडल, ओके, 32, वेरी गुड, वाह, 32 कैसे हो सकता है, 30 होगा, अच्छा दो टू नहीं किए हो, ओके, और नीलेश दिस ही गॉट 31, सोनाली 32, श्रीदीप 31, वेरी गुड, एंड पीयूष गुप्ता 28, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, देन लिप्सा प्रियदर्शनी 33, वाओ बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, लाजवाब, दिस इज
सुनीता साहू ओके रितिशा साहू सी गॉट 31 वेरी नाइस नॉट बैड ओके बहुत अच्छे ठीक है एंड ठीक है चलिए बहुत सुंदर बहुत ही अच्छे अब आते हैं अगले ट्रेंड की तरफ में नेक्स्ट ट्रेंड को देखा जाए है ना दैट इज अ ट्रेंड ऑफ बेसिक कैरेक्टर ठीक है दिस इज अंकुश कुमार 25 वेरी नाइस अंकुश बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़िया 20 से ऊपर जिनका आया वो लोग बहुत अच्छा किए ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं ओके अब आते हैं बेसिक कैरेक्टर की तरफ ठीक है बेसिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर रहेगा बेसिक कैरेक्टर है ना बेसिक कैरेक्टर पहला है बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड वन ओके ट्रेंड वन में आपके पास कंपाउंड है एल आई ओ एच ठीक है देन कंपाउंड दिया गया है सी एच ओ एच देन कंपाउंड आपको दिया गया है एन ए ओ एच देन दे दिया गया है आर डी ओ एच देन दे दिया गया है आपको के ओ एच ओके बोला गया है बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर देना है तो भैया बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर तो यूज दिस ट्रिक बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर LiOH CSOH NaOH KOH और RbOH को ऑर्डर में अरेंज कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर में आपने इंक्रीज कर देना है इनको ठीक है हो गया सभी लोग अपने अपने ट्रेंड लिख लिए चलिए आप लोग अपना ट्रेंड लिखिए फटाफट से पहले ट्रेंड लिखिए पहले दो तीन क्वेश्चन सब लोग प्रैक्टिस में करते हैं फिर रैपिड फायर किया जाएगा मतलब फिर से इसको देखा जाएगा किन्ने फर्स्ट करा किन्ने सेकंड करा ठीक है पहले दो तीन करके ये कर दीजिए ओके एंड ओके आनंद 35 गॉट ओके नाइस नाइस आनंद वेरी गुड बहुत बढ़िया करे हो आज श्रीदीप आनंद पूजा मंडल काफी अच्छा करे हो है ना आर्यन तिवारी फरहान बहुत बढ़िया आप लोग करे हो आज ठीक है सो एल आई ओ एच सी एस ओ एच एन ओ एच आर बी ओ एच और के ओ एच का ऑर्डर अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में अरेंज कर देना भैया क्या ऑर्डर रहेगा इसका क्या ऑर्डर रहेगा इसका फटाफट से आप लोग अरेंज कर दिए सभी लोग अपना आंसर रेडी कर दिए चलिए तो फिर मैं करता हूँ इसको ठीक है मैं करता हूँ इसको क्या आंसर रहेगा भाई तो सबसे ज्यादा इसमें जो रहेगा RbOH सबसे ज्यादा देन CSOH CSOH सबसे ज्यादा देन आपका RbOH ओके देन आपका क्या रहेगा KOH रहेगा फिर आपका NaOH रहेगा एंड देन आपका LiOH ठीक है ये नॉर्मल हम लोग फॉलो कर जाएंगे लीना को रब से फरिया ठीक है डाउन द ग्रुप आते हुए मेटालिक नेचर पढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी पढ़िएगा इसी को फॉलो करना है तो भैया फ्रांसियम तो है नहीं इसमें सीजियम है सीजियम के हाइड्रोक्साइड फिर सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगी लिथियम के हाइड्रोक्साइड मिनिमम हो जाएगी ऑर्डर रहेगा कुछ ऐसा होगा CSOH सबसे ज्यादा फिर RbOH KOH NaOH और LiOH किनका किनका सही है है ना जिनका सही हुआ करेक्ट लिखेंगे जिनका गलत हुआ रॉन्ग लिखेंगे लिख करके चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे ठीक है जल्दी जल्दी से फटाफट से ये सब ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से पक्का से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एकदम ओके सोनाली कोई बात नहीं बेटा ओके देन ओके नाइस बाकी सब लोग का सही है फरहान आर्यन तिवारी आनंद सुप्रिया आशीष श्रीदीप निलेश पूजा मंडल रोहित अंकुश सुनीता लिप्सा रिमझिम विनय ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया है ना विनय पिछली ट्रेंड्स में कितना मार्क्स आया था ओके चलिए ये आपका सही आंसर है ट्रेंड नंबर टू की तरफ आते हैं ठीक है ट्रेंड नंबर टू की तरफ में BEOH ओके BEOH होल्ड ट्वाइस देन आपका MgOH hold twice भाई साहब ध्यान रखिएगा ठीक है then CaOH hold twice and BaOH hold twice what will be the basic strength increasing basic order क्या रहेगा increasing basic order क्या रहेगा भाई साहब जल्दी जल्दी से आपने बता देना है क्या है compound BeOH MgOH CaOH और BaOH hold twice सबका hold twice भैया BeOH hold twice MgOH hold twice CaOH hold twice BaOH hold twice
जल्दी जल्दी से बता देना एकदम फटाफट फटाफट फटाक से है ना। साकिब दा के व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेज दीजिए इसको, साकिब दा के व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए या फिर अपने आंसर को लिख करके अपने पास रखे रहिए, और अभी जब हम इसको करेंगे तो आप लोग बता देना मेरे को किसका सही हुआ किसका गलत हुआ, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे हो गया सभी लोग का, करें हम आप लोग का अपना अपना आंसर रेडी है ना। चलिए सभी लोग का आंसर रेडी हो गया, कर दीजिए एकदम आराम से, टाइम लीजिए और एकदम आराम से कीजिए, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को जल्दबाजी नहीं है, मेरे को तो नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए है ना। अच्छी चीजें हमेशा थोड़ी टाइम लेकर नहीं आती है आपके पास, ठीक है। क्या है भाई, BOH BOH होल्ड वाइज, MGOH होल्ड वाइज, COH होल्ड वाइज और BOH होल्ड वाइज, ठीक है। आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ की क्या ऑर्डर होनी है, ठीक है। सब लोगों की ऑर्डर रेडी है, चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका रहेगा BAOH होल्ड वाइज सबसे ज्यादा, ठीक है, BAOH होल्ड वाइज सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। मैं डिसेंडिंग सीरीज में अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग असेंडिंग सीरीज में किए होंगे, ठीक है। BAOH होल्ड वाइज सबसे ज्यादा रहेगा, फिर क्या रहेगा आपका CAOH होल्ड वाइज, देन आपका MG रहेगा, MGOH होल्ड वाइज, एंड सबसे कम आपका रहेगा BEOH होल्ड वाइज, ठीक है। मैंने डिसेंडिंग सीरीज में कर दिया, आपने अपना इनक्रीजिंग ऑर्डर में कर रखा है, तो चलो भैया क्या है देख लेना आपका, आपका सबसे आंसर सबसे पहले आपका ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसे करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है ऑर्डर, क्लियर है सभी लोग का, सभी लोग का सही है, ओके ओके। सभी लोग का ये आंसर सही है क्या, देख लीजिए इसको मैच कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, गलत हो तो उसको सर्कल करके रखिए, ठीक है, और बता दीजिए मेरे को कि कितना सही है क्या गलत है, ठीक है, फटाफट से बताते भी रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े ट्रेंड नंबर 3 की तरफ आते हैं। चलिए ट्रेंड नंबर 3 में बोला गया है बीई को एमजीओ, ठीक है, एंड एसआरओ एंड सीएओ, ये चार कंपाउंड हम लोगों को दे दिया गया है ना। ये चार आपके ऑक्साइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, और बोला गया बेसिक ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, बेसिक ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, फटाफट से जल्दी जल्दी कीजिए, बेसिक ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए है ना। कंपाउंड है BEO, MGO, SRO और CAO, बेसिक ऑर्डर में अरेंज कर देना है, बेसिक ऑर्डर में अरेंज कर देना है, हो गया हो गया। देख लीजिए यहाँ पे आपके पास कंपाउंड्स है BEO, MGO, SRO और CAO, ठीक है, इनको बेसिक ऑर्डर में अरेंज कर देना है, अरेंज हो गया आप लोग का, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा भाई, क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा BEO सबसे कम, देन रहेगा आपका MGO, फिर रहेगा आपका CAO और सबसे ज्यादा क्या रहेगा SRO, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सही है सही है। मैं बोल रहा हूँ BEO सबसे कम, फिर MGO, फिर CAO और SRO इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, क्लियर है आंसर, कोई दिक्कत, करेक्ट है, ओके चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग करेक्ट लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ आते हैं, इसको जरा मिटा दिया जाए, इन सबको बहुत बढ़िया से कॉपी करते चलिएगा, ठीक है ना, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है ना डेली, ऐसे मैं कोशिश करूंगा जब भी मेरी क्लास रहे एक क्लास या दो क्लास वीक में मैं ट्रेंड्स के ऊपर आप लोगों का लेता रहूं और लेकर के आप लोगों को ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स याद कराता हूं, ठीक है, बहुत सारे ट्रेंड्स आपको करवा करके रख दूं। ऐसे ऑलरेडी आपके कॉपी में बहुत कुछ किया हुआ है, इससे बहुत ज्यादा आपके कॉपी में किया हुआ है, लेकिन ये क्या है उसका एक्सट्रैक्ट पार्ट है, उसमें से कुछ पार्ट को निकाल के आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग कॉपी में इतना कुछ है कि आप लोग एकदम मतलब नीट में कम से कम 43-44 क्वेश्चंस कर लोगे, और आप अगर बैठते हो 25 क्वेश्चन वाले मेंस में तो 25 क्वेश्चन अगर पूछता है तो 22-23 तक तो आराम से आप लोग चले जाओगे कॉपी को पढ़ के केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बार बार एक्सट्रैक्ट कर करके आपके सामने रखना मेरा काम है, ताकि आपके लिए रैंक और इजी बनते रहे। ट्रेंड नंबर 4 इन द बेसिक कैरेक्टर दैट इज LIO, एक मिनट, this is
CO2, ठीक है, B2O3, BeO एंड Li2, ठीक है, ये आपका बेसिक कैरेक्टर में अरेंज कर देना है, कंपाउंड है CO2, B2O3, BeO और Li2, लेफ्ट टू राइट में इसको बस सोच लो, बन जाएगा, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट में सोच लो, ये आपका बन जाना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट सोच लीजिए पीरियोडिक टेबल का, आपका ये बन जाना है, ठीक है, क्या होता है भाई, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल में जब भी अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, नॉन मेटलिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर कम होता है, तो फटाफट से सोच लीजिए आपका ये बन जाएगा, ठीक है, क्या है भाई ऑर्डर में आपका आ गया क्या सभी लोग का, बहुत बढ़िया, देखिए क्या होता है, ऐसे लिथियम होता है ना, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है ना, ये लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक पीरियड में लेफ्ट राइट अपन जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटलिक नेचर डिक्रीज करते हैं, मेटलिक नेचर डिक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर भी डिक्रीज करेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा आपका बेसिक कौन हो जाएगा, तो लिथियम का ऑक्साइड हो जाएगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, तो कार्बन का ऑक्साइड हो जाएगा, इन द गिवन वन, तो क्या हो जाएगा भैया ऑर्डर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात, बढ़िया से भैया आपका बेसिक ऑर्डर कुछ ऐसा नहीं होता है, देखिए Li2O सबसे ज्यादा, फिर BeO, फिर B2O5, देन CO2, सही है, सही है, आप लोग अपना मैच करते चले, और जहां भी गलत हो उसको मार्क करते रहे कि मेरा यहाँ पे गलत हो गया, और जब भी आप अगले क्लास में आवे तो अपने डाउट के साथ आवे और आते हुए ही अपने डाउट को क्लियर करें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है SiO2, ठीक है, Al2O3, Mg2 एंड Na2, ठीक है, ये चार आपके पास ऑक्साइड्स हैं, और आपने क्या करना है भाई, इन लोगों को इनके ऑर्डर में अरेंज कर देना है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है, कंपाउंड्स आपके पास रखे हुए हैं, क्या है भैया कंपाउंड्स में, SiO2, Li2O3, MgO और Na2, क्या बताना है, तो बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है, कर दो भैया जरा इसको फटाक से एकदम अपने हाथ पैर को घुमाओ और इसको कर दो, ठीक है, हो गया, सभी लोगों ने कर दिया फ्रेंड, ओके वेरी गुड, चलिए भाई तो ऑर्डर अरेंज कर देते हैं, फिर से देखो आपका वही इसी में ऑर्डर रहेगा, ऐसे ही क्या है भैया, यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, और फिर से वही पीरियड वाली बात है, और फिर से यही वाली ट्रिक वाली आपकी बात है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एक पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एक पीरियड में लेफ्ट राइट जाते हुए क्या हो जाएगा अपने साथ, बेसिक मेटलिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर भी कम होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें बेसिक क्या हो जाएगा, तो सोडियम है ना, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है बोले तो Na2, ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, MgO से, MgO ज्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, Al2O3 से, और Al2O3 भी ज्यादा बेसिक रहेगा किससे, SiO2 से, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा है ना, SiO2, Al2O3, MgO और Na2O में बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या रहेगा, तो Na2O सबसे ज्यादा, फिर MgO, देन Al2O3, देन SiO2 इज द लीस्ट, क्लियर है मेरी बात, किनका किनका सही हो गया जरा एक बार बता दें अपने चैट बॉक्स में कि मेरा सही है गलत है ऐसा करके, ठीक है चैट बॉक्स में फटाफट से बता दें, ओके बहुत सुंदर, अगले वाले में आते हैं, ओके लिप्सा प्रियदर्शनी करेक्ट है, रिमझिम करेक्ट है, पूजा मंडल, विनय, नीलेश, आशीष, पीयूष, दिस इज सुकृति एंड आर्यन तिवारी, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोग करेक्ट है, और किन का भाई, रोहन सिंह, बहुत लेट कमर हो भाई है ना, बहुत ही लेट आए हो आप, क्लास एंड होने के टाइम पे क्लास में आ रहे हो है ना, ऐसे नहीं चलेगा, ओके एंड सोनाली का भी करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ आते हैं, नेक्स्ट ट्रेंड नंबर कितना चल रहा था भाई, ये 7 है क्या, 6 है, ठीक है ट्रेंड नंबर 6 इन द बेसिक कैरेक्टर आपका क्या है, SpH3, AsH3, देन आपका PH3 एंड देन आपका NH3, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है, इसको बेसिक कैरेक्टर में अरेंज कर देना है, बेसिक कैरेक्टर में अरेंज कर दीजिए, कंपाउंड्स आपके पास है,
SBH3, ASH3, TH3 और NH3 क्या अरेंज करना है भाई? तो बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है, बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। और कंपाउंड्स आपके सामने है, कंपाउंड्स है SBH3, ASH3, TH3 और NH3। क्या रहेगा भैया बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर? क्या रहेगा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर? क्या है भाई? SBH3 है, ASH3 है, TH3 है और NH3। जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट से, जल्दी से एकदम फटाफट फटाफट से बताइए। ठीक है, कंपाउंड्स आपके सामने है, कंपाउंड्स है SBH3, ASH3, TH3 और NH3। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर में आपको इसको बता देना है, ऑर्डर क्या रहेगा। चलिए, हो गया सभी लोगों का? वेरी गुड। देखो ये डाउन द ग्रुप आ रहा है क्या? ऐसे है ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब लास्ट वाला नहीं बोलेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है अभी? तो डाउन द ग्रुप आते हुए मेटल सिग्नेचर बढ़ता है, ठीक है ना। तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल जाएगा। ओके चलो भाई, तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिसाइड कर जाएंगे तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? द ऑर्डर विल बी लाइक दिस, ऑर्डर विल बी लाइक दिस, NH3 सबसे ज्यादा, देन TH3, देन SBH3, देन आपका सबसे कम क्या रहेगा? ASH3, देन सबसे कम आपका क्या रहेगा? SBH3, ठीक है। NH3 इसमें सबसे ज्यादा आपका बेसिक, देन TH3 रहेगा, देन ASH3 और सबसे कम क्या रहेगा? SBH3। क्लियर है बात? चलिए बहुत सुंदर, एक और ट्रेंड देखते हैं इसमें, ट्रेंड नंबर 7 इन द बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, आपका है CH3-, ठीक है, देन OH- दे दिया, F- दे दिया और आपका NH2- दे दिया, ठीक है। और बोल दिया बेसिक कैरेक्टर में अरेंज कीजिए, बेसिक कैरेक्टर में अरेंज कीजिए, क्या क्या कुछ दिया हुआ है? तो CH3-, OH- F- और NH2- के ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है इन कंपाउंड्स को, फटाफट से कीजिए, ठीक है, हो गया, कर लीजिए एकदम आराम से, अपना टाइम लो, एकदम मस्त टाइम लो, इसके बाद करो, ठीक है। कंपाउंड है CH3-, OH- F- और NH2-, है ना। और इन कंपाउंड्स को आपको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में, तो आप कैसे अरेंज करेंगे इनको बेसिक कैरेक्टर में, ठीक है। हो गया सभी लोग का अरेंजमेंट कंप्लीट? एवरीवन ओके, नाइस। चलिए फिर शुरू करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर रखा है, दैट इज कार्बन, क्योंकि ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग देम, इन जितने भी यहाँ पे है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को रखा है, तो CH3- जो होगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेसिक होगा। उसके बाद NH2-, क्योंकि उसके बाद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH2 की है ना। उसके बाद आपका रहेगा OH- और सबसे कम यहाँ पे जो बेसिक है दैट इज F-, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए आपके कितने ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर आपके करेक्ट हुए हैं, हो गया, ठीक है। आज अपने 26 ऑर्डर हम लोगों ने करा दिए, है ना, तीनों को मिला करके। पहले वाले में मैंने 9 करा था, ठीक है, एसिडिक वाले में, फिर बॉन्ड एंगल वाले में 10 करा और अभी 7 हो गए। तो हम लोगों ने टोटल ऑफ अबाउट 26 ऑर्डर को कंप्लीट किया। अब 26 × 4, देखिए यहाँ पे जरा 26 × 4, 104 नंबर का अभी हम लोगों ने किया। अब आप मेरे को पूरा कैलकुलेट करके बताओ अभी कि 104 में आपको कितना मिला, 104 नंबर में हाउ मच यू गॉट, आपने अभी कैलकुलेट करके मेरे को इधर लाइव चैट बॉक्स में बताना है कि 104 नंबर में कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक है, जल्दी से एकदम फटाफट बता दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग अपना कैलकुलेशन बैठाइए और बैठा करके मिनट बताइए। 104, हर एक करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को 4 नंबर खुद को देना है
और हर एक रॉन्ग आंसर में आप लोगों को अपना 1 मार्क्स डिडक्ट कर देना। हो गया? चलिए ओके। आर्यन तिवारी गॉट 94 आउट ऑफ 104, वेरी नाइस। फरहान गॉट 88, वेरी गुड। आदित्य पारिक, वाओ, 88, वेरी गुड। आदित्य पारिक गॉट 88 आउट ऑफ 104 एंड दिस इज रितिशा, सी गॉट 84। रोहित पंडित गॉट 87। पीयूष गुप्ता, वेरी गुड। पीयूष गुप्ता गॉट 56। आनंद गॉट 78, ओके नाइस। देन इट्स सोनाली पासवान गॉट 87, वाओ, वेरी नाइस सर, वेरी कांग्रेचुलेशंस श्री। दिस इज सुप्रिया मिश्रा, सी गॉट 78 एंड नेक्स्ट दिस इज सुकृति मिश्रा, ओके नाइस। चलिए बढ़िया बात है, काफी बढ़िया आप लोगों ने स्कोर करा। और आज जो आप लोगों की टेस्ट हुई थी उसकी आंसर की अभी 5 मिनट में अपलोड हो जाएगी। दिस इज पूजा मंडल गॉट 87, आशीष शर्मा गॉट 77, ओके। तो उसकी आंसर की अभी अपलोड हो जाएगी, आप लोग अपना आंसर एक बार देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा और मंडे के आपके क्लास में नोटिस बोर्ड पे इस टेस्ट का रिजल्ट रैंक वाइज लगा रहेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था उनका भी नाम वहां पे बोल्ड बोल्ड में लिखा रहेगा कि आप लोगों ने टेस्ट एब्सेंट करा था, ठीक है। ओके, दिस इज आशीष शर्मा 77, ऋतिक गुप्ता 80, रिमझिम पांडे 74, ओके एंड सोनाली गॉट 87, ओके नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने करा। आर्यन 94 सबसे ज्यादा शायद अभी तक जितने लोगों ने अपना आंसर बताया है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, सबको बहुत सारा बधाई है ना। आराम से आप लोग एक बार ये कीजिए, सोने से पहले ये 26 ट्रेंड्स पूरे एक बार रीड करके फिर कॉपी को छोड़ना है, ठीक है। 26 ट्रेंड्स को पूरा पढ़ के फिर कॉपी को छोड़ना है, ओके। चलिए तब तक के लिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आज का क्लास लेकर के। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।